वेलकम इन देव एजुटेक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजर कमीशन का। जो मैनेजर कमीशन है उसका वो क्या कहते हैं, जो मैनेजर कमीशन है ना वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ पार्टनर का कमीशन आता है। जो मैनेजर का कमीशन आता है वो P&L अकाउंट में आता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तो हमें क्या होगा, हमें प्रॉफिट दिया होगा, ठीक है, और हमें दे रखा है मैनेजर कमीशन इतना है, ठीक है। हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसमें से प्रॉफिट माइनस करके फिर हमें प्रॉफिट जो है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना होगा। चलिए देखते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल हमें प्रॉफिट दे रखा है 80,000 का, ठीक है, और मैनेजर कमीशन हमको दे रखा है कितना, 10%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P&L अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। मैं एक रैंडमली P&L अकाउंट बना रहा हूँ। बाय प्रॉफिट कितना, 80,000, ओके, टू मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन कैसे निकालेंगे, 80,000 इसका 10%, कितना आ गया, 8,000। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया, 80,000 माइनस 8,000, 72,000। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो आया 72,000। तो जो ये 72,000 आया है नेट प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा वो कितना जाएगा, 72,000। तो ये था मैनेजर कमीशन का टॉपिक। तो अब हम देखते हैं सैलरी और कमीशन का टॉपिक। सैलरी और कमीशन, ये जो सैलरी और कमीशन है वो किसकी है, वो पार्टनर की है। ये पहले हम देख चुके हैं कि सैलरी और कमीशन दोनों कहाँ जाती हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर मान लो इसी में कोई एडजस्टमेंट आ गई तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कमीशन दे दिया बी का, बी कमीशन, दो पार्टनर है उसमें से बी का कमीशन दे दिया 8,000, ठीक है। और आगे एक लाइन मेंशन होगी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पे दो चीज़ें आ सकती हैं, या तो बिफोर चार्जिंग या फिर आफ्टर चार्जिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर लिखा हो कि बिफोर चार्जिंग, जब भी लिखा हो कि बिफोर चार्जिंग है तो हम क्या करेंगे, मान लो 10% है कमीशन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 8,000 का 10% कितना आ गया, 800। जब भी बिफोर चार्जिंग होगा तो हम कर देंगे ऐसे के ऐसे ही। जब आजे, ये तो था बिफोर का, बट जब आजे कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जब भी आजे आफ्टर चार्जिंग तो हम क्या करेंगे, 8,000 10/110, यानी कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, जो उसका कमीशन था उसको भी बाय में 100 प्लस जो कमीशन था उसका वो भी लिख देंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 8,000/10 जितना भी आएगा हम मेंशन कर देंगे। वैसे ही सपोज करो कि बी का कमीशन यहाँ पे 8 होता तो हम क्या करते, 8/108, बिल्कुल, तो हम क्या करते, 8,000 × 8/108, तो ये हमारा किया जाता है कमीशन। और इसी कमीशन को हम कहाँ लिखते, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। तो ये थे आज के कुछ टॉपिक। थैंक यू फ्रेंड्स।